हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा सेशन रहने वाला है भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत आज का हमारा टॉपिक है। देखो, हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें विभिन्न देशों के संविधान से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उठाए गए हैं, वही आज आपको आपको बताएंगे। तो आइए आज का सफर चालू करते हैं। पहला पढ़ते हैं अमेरिका संविधान। अमेरिका संविधान से हमने 5 पॉइंट उठाए हैं। न्यायिक पुनर्वलोकन, यह जुडिशरी से संबंधित है। फिर आता है हमारे फंडामेंटल राइट। क्या आते हैं? फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर आता है हमारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान या प्रक्रिया, यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। फिर आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय, यह भी अमेरिका के संविधान से। और लास्ट पॉइंट आता है संविधान की सर्वोच्चता, अर्थात संविधान सर्वोच्च रहेगा। न कोई पद बड़ा, न कोई व्यक्ति बड़ा, सबसे बड़ा संविधान। न पद बड़ा, न व्यक्ति बड़ा, सबसे बड़ा संविधान। तो फिर से दोबारा रिवाइज करते हैं। अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनर्वलोकन, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट और संविधान की सर्वोच्चता। राष्ट्रपति पर महाभियोग अर्थात राष्ट्रपति को अपने पद से समय से पूर्व हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। यह 5 पॉइंट हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं कनाडा के संविधान। कनाडा के संविधान से अपन ने संघात्मक व्यवस्था ली है और अवशिष्ट शक्तियां ली है, तो दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। आता है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से सबसे इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, यह भी हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। तो देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपन ने न्यायिक पुनर्वलोकन, फिर अपना दूसरा पॉइंट क्या था, फंडामेंटल राइट, तीसरा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, चौथा सुप्रीम कोर्ट और संविधान की सर्वोच्चता। 5 पॉइंट अपन ने संयुक्त राज्य अमेरिका की, फिर अपन आए कनाडा के संविधान, कनाडा का संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्ति अपन ने कनाडा के संविधान से ली। फिर आते हैं अपन आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से अपन ने DPSP, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को पिक करा। और फिर अपन ने पढ़ा राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, यह भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे आते हैं ब्रिटिश संविधान से। ब्रिटिश संविधान से अपन ने संसदीय शासन व्यवस्था, ठीक है, विधि निर्माण प्रक्रिया, अर्थात विधि मतलब कानून निर्माण प्रक्रिया, यह भी अपन ने ब्रिटिश संविधान से ली है। एकल नागरिकता, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, यह भी अपन ने ब्रिटिश संविधान से लिया है। तो ब्रिटिश संविधान के 4 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, संसदीय शासन व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया और एकल नागरिकता और राष्ट्रपति का संवैधानिक शक्ति। देखो, जैसे अभी नया कानून नीति आई है जो स्टार्ट हो चुकी है 1 जुलाई से, उसमें हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी यह बताया गया था कि विधि निर्माण की प्रक्रिया जो हमारे ब्रिटिश शासन से चलती आ रही है उनमें कुछ गलतियां हैं, उनमें सुधार किया गया है। तो आप वहां से इस पॉइंट को कोलरेट करके याद रखेंगे कि विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो संसदीय शासन व्यवस्था, ब्रिटिश विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता का और राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति, यह सब ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। आइए अगला पॉइंट पढ़ते हैं पश्चिमी जर्मनी का संविधान। आपातकाल के उपबंध अपन ने जर्मनी के संविधान से लिए हैं। अब बात करते हैं संविधान संशोधन की पद्धति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा के लिख लेना, यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। देखो, सोवियत संघ का संविधान, सोवियत संघ का संविधान, ठीक है, यहाँ से अपन ने देखो मौलिक कर्तव्य, ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज, क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक अधिकार अपन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए हैं, वह क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट होते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज अपन ने कहाँ से लिए हैं, सोवियत संघ के संविधान से लिए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रांसीसी संविधान से, गणतंत्र शासन व्यवस्था, यह भी इंपॉर्टेंट है। और अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें प्रस्तावना। प्रस्तावना अपन ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए, संवर्ती सूची का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और शक्ति विभाजन भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जापान के संविधान से अपन ने विभिन्न अनुच्छेद है, वह सभी जापान के संविधान से लिए गए हैं।
तो यह है आज का हमारा एक छोटा सा सेशन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। इसमें हमेशा आपसे सवाल पूछे जाते हैं, आप चाहे कोई सा भी एग्जाम देने चले जाना। तो एक बार फिर रिवाइज करते हैं, आइए इंपॉर्टेंट की छटनी कर लेते हैं हम जल्दी जल्दी। देखो फंडामेंटल राइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और राष्ट्रपति का महाभियोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों आपको यहाँ से जरूर ही याद रखने हैं। संघात्मक व्यवस्था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आयरलैंड के आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं, इसमें दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश संविधान संशोधन, चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना आपको। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना ली गई है, और समवर्ती सूची, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जापान के संविधान से अपने लिया है अनुच्छेदों का प्रावधान। यह कुछ आज एक हमारा छोटा सा सेशन था, कल मिलते हैं आपके साथ एक कैसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। ऐसे ही आप चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक, और बेल आइकन को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देवे, ठीक है, जिससे आपको अगली वीडियो मिल जावे। ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।